पर आप लोग, अरे उतार दो बुरखा, उतार दो, आप बुरखा उतार दो, कुछ नहीं होगा, बुरखा उतारिए आप, बुरखा ले लो इनसे, ओहो जींस में बुरखा ले लो, बुरखा ले लो भाई, हमारी कौम बदनाम हो रही है। गैर महरूम के साथ है ये छोरी फिर रही, बुरखा उतारो अगर बोल रहे, सही बात कर रहे हो, बुरखा खोल को उसकी मैया को चुदाने जाती कि नहीं हमारा समझ नहीं आया, और गले मिल रहा हो छप्पन, ये आप देख रहे हैं एंबियंस दीजिए, ये आप देख रहे हैं कैसे मुस्लिम देशों में ईरान से अफगानिस्तान तक महिलाएं सड़कों पर हैं, क्या वजह है ईरान से अफगानिस्तान तक महिलाएं अपने हक की आवाजें उठा रही हैं, देखिए पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रदर्शन हो रहा है ईरान की, तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं, महिलाएं अपना हिजाब जला रही हैं, अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं भीड़ देखिए जरा, हजारों की भीड़ सड़क पूरी लोगों से भरी हुई है, ये ईरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोग सड़कों पर उतरे, महिलाएं भी हैं पुरुष भी हैं। कोरमान ये जो शहर है सारे आपको बताऊं, इनमें सबसे बुरा हाल है। अब एक और इस्लामिक देश अफगानिस्तान की इन तस्वीरों को जो हम दिखाने जा रहे हैं, काबुल में महिलाएं अपने हक की आवाज बुलंद करने के लिए सड़कों पर हैं, ये तस्वीरें हेरात की हैं, जहां महिलाएं अपने हक की आवाज बुलंद करने के लिए सड़कों पर उतरी हैं, इन्हें पुलिस की गोलियों का भी सामना करना पड़ा, इन ज्यादतियों के बावजूद महिलाएं सड़कों पर उतर रही हैं, तो आखिर इसकी वजह क्या है, जानकार बताते हैं कि बदलते वक्त के साथ अगर सोच नहीं बदलती तो ऐसा ही देखने को मिलता है, हमेशा के लिए दुनिया की आधी आबादी को दबा कर रखा नहीं जा सकता, धर्म के नाम पर गुमराह करने की भी एक सीमा होती है, खासतौर से मौलवियों की कट्टर सोच ने हालात और ज्यादा बिगाड़ दिए, दरअसल इस सोच ने न केवल इस्लामिक देशों की मुश्किलें बढ़ाई हैं बल्कि अमेरिका जैसे देशों में भी इस्लामिक देशों की महिलाओं के समर्थन में प्रदर्शन। किसी महिला से आप उसके कपड़े रोड पे उतरवा देते हो, उसका हिजाब इस्लाम के नाम पे उससे आप रोड पे उतरवा देते हो, ये कहाँ की इंसानियत है और कहाँ की समझदारी है? कौन सी सदी में रह रहे हो? मुगलों के शासन में पैदा हुए हो क्या? हैं साले सुअर, 21वीं सदी चल रही है तेरा पता नहीं है क्या? सो सुधार ले, इंसानियत नाम की तो चीज ही नहीं रही है।